हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जुन्नू की रसोई में स्वागत है। ये मेरी यूट्यूब पर पहली रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अरहर की मसालेदार खिचड़ी। तो इसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी चावल और आधी कटोरी अरहर की दाल। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से धुलकर साफ़ कर लेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाने के लिए लेंगे 1 छोटी प्याज, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 6-7 कली लहसुन की, 3-4 हरी मिर्च। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अदरक मैंने थोड़ी बड़ी काटी है क्योंकि खाने में किसी को नहीं पसंद होती, तो इसको निकाल भी सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम रखेंगे कुकर, इसमें डालेंगे तेल। तेल मैंने सरसों का ही लिया है क्योंकि सरसों का तेल बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसमें मैंने डाला है जीरा। जीरा को थोड़ा तड़कने देंगे, फिर इसमें हम डालेंगे अदरक। अदरक को मैं तेल में ही पका लेती हूँ क्योंकि तेल में थोड़ा जब तल जाती तो जिसको खाना होता है तो खा भी सकता है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन। लहसुन को मैं थोड़ा पका लूँगी, फिर जब ये ब्राउन हो जाएगी तो इसमें मैं डालूँगी प्याज। प्याज को भी हम थोड़ा ब्राउन होने तक पकाएंगे क्योंकि इसका कच्चापन चला जाएगा। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने बाद में इसे डाली क्योंकि जो है पहले डालने से काली हो जाती है। अब इसमें मैंने डाला है मसालों में मैंने डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर। इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें अच्छी तरह से चलाकर अब हम डालेंगे इसमें चावल। चावल और दाल को मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि भूनने से बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने 1/2 चम्मच डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको ठीक लगे। फिर इसमें मैं डालूँगी पानी। पानी मैंने 1 से 1.5 गिलास डाला है। अब हम इसमें पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। पहले 1 मिनट के लिए फ्लेम तेज़ करेंगे, फिर थोड़ा धीमी आंच पर पका लेंगे। अब हमारी खिचड़ी तैयार है। आप इसे रायते के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं। थैंक यू।